तो जो है हम लोग शुरू करते हैं पैकिंग करना इसकी। एक हाथ में मेरा अभी अंडा है, तो बस बिना किसी बातचीत के इसको शुरू कर दें। ठीक है, यह एलुमिनियम का पेपर होता है जिससे जो है एग जो जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे रहेंगे। ठीक है, और ये हमने एक एग पैक कर दिया और ये एक एग रोक दिया। तो भाई एक तो हो गया अंडे का डब्बा पैक। कार्गो करना आसान नहीं होता क्योंकि अंडे का रिस जो है कोई कूरियर सर्विस नहीं देती, क्योंकि बेसिकली जो होता है लिक्विड और एग वगैरह कोई भी कमज़ोर सी चीज़ उनका जो है कार्गो सर्विस जो है ना बहुत ही हम इंश्योर भी नहीं करेंगे ना हम जो है इसकी गारंटी लेंगे। तो इसकी वजह से जो है ना हमें इस तरह की पैकिंग करनी पड़ती है हर बार के जो है एग जो है कस्टमर के पास सेफली पहुंच जाए। हमारी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं बट ये है कि कस्टमर हमारे लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पे होते हैं और हम हर बार पैकिंग के साथ अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं। जो ये ऑर्डर जा रहा है काम इसमें जो है हमने अपने कस्टमर के लिए जो है 4 अंडे उसको सरप्राइज भेजे हैं। ठीक है, और अभी और सिर्फ हम अंडे इसमें कार्गो में जो है सरप्राइज के तौर पे सिर्फ अंडे नहीं देते बल्कि बहुत सारे कभी जो इनाम उस कस्टमर की किस्मत में होता है वो उसके पास पहुंच जाता है। इन भाई की किस्मत में हमारे एग्स थे 4 एक्स्ट्रा, तो वो हम इसी में ही पैक करके दे रहे हैं। ये 20 अंडों का ऑर्डर था और ये आप देख सकते हैं कि 6-6 की 4 फुल हुई हुई हैं ट्रे, तो मतलब ये 24 एग्स हैं, 24 अंडे हैं। तो 20 अंडों का ऑर्डर था तो इस तरह 24 अंडे हैं और 4 अंडे जो हैं उनके एक्स्ट्रा हैं। ये बाकी अब जो है हम इंशाल्लाह ताला आने वाले साल के अंदर ये जो कमरा दिख रहा है आपको इसमें भी एक और चीज़ होंगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तोतों की तरफ भी आएँ और जो है दूसरी चीज़ों पर भी काम शुरू करें। अयाम समानी हमारा मेन हमेशा इंशाल्लाह ताला मेन ब्रीड हमारी अयाम समानी होगी, लेकिन जो है हम दूसरी भी चीज़ें ज़रूर पालेंगे क्योंकि हम लोग खुद शौक करने वाले बंदे हैं, हमें जानवरों से प्यार है और हमें ये लगता है कि बाहर से ज़्यादा जो है हम इनकी केयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तोता बाहर घूमता है तो उसको अक्सर जो है चीजों में मार देते हैं, तो इस वजह से हम उनके लिए एरिया बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला इस पूरे बड़े से कमरे में ताकि उनको भरपूर एक्सरसाइज होगी। और इसके अलावा बकरे पालने का भी प्लान है मेरा इंशाल्लाह ताला, जो है बकरे भी कुछ टाइम में मैं पाल लूँगा अल्लाह ने चाहा तो। हम लोग कुछ बकरे लाएंगे और वो भी जो है कुछ टाइम है बस 6-7 महीने थोड़ी सी मुझे हम सबको इसमें मेहनत करनी है, जो भी मेरे इन्वेस्टर हैं मेरे भाई वगैरह हैं हम सबको मिलके मेहनत करनी है इंशाल्लाह ताला। फिर जो है हम आप लोगों के सामने ही है कि अभी सिर्फ मुर्गियों का काम है, आयाम से मानी हमारी मेन ब्रीड है, फिर हम अपनी ब्रीड भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ताला अपना कारोबार भी बढ़ाएंगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा दिया है इस कारोबार ने, जितना कुछ है इसी की बदौलत है। जो इस छत पे अभी जितनी भी केजेस वगैरह सब बने हुए सारी इसकी अर्निंग से हुआ है काम। काम बहुत अच्छा है पोल्ट्री का, मैं तो अपने आप लोगों से भी कहूँगा कि ये काम ज़रूर करें क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं किसी को नहीं पता कि कल वो घर पर बैठा हुआ है या फिर ऑफिस में होगा, तो इसलिए ज़रूर ये काम शुरू करें ताकि आप लोगों की सेफ्टी हो, आप लोगों के पास बी प्लान हो कुछ करने को। एकदम से आपको अगर अल्लाह ना करे जॉब से निकाल दिया जाए तो आपको कोई जहनी टेंशन ना हो कि घर नहीं चल पाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ब्रीड है जो जॉब से ज़्यादा अच्छी
एंडिंग देती है। और मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो और मेरे भाई वगैरह भी जो है सारी अच्छी पोजीशन पे, लेकिन हम लोग फिर भी ये काम यूँ ही करते हैं कि अल्लाह ना करे कोई बात अगर हो तो हमारे पास ऑप्शन बी होना चाहिए लाजमी। तो मैं यही कहूँगा कि समानी पे लाजमी काम करें। आप लोग देखें थोड़ी सी मुश्किल है इसकी ब्रीडिंग, लेकिन जो है मुश्किल के बाद आ ही जाती है। हम भी अल्लाह का शुक्र है अब है इस निकाल ही लेते हैं। तो जो है आप लोगों से भी यही सजेशन है कि आप लोग भी काम की तरफ आएँ, शुरू स्टेप लें, और जो है अंडे वगैरह चूज़े वगैरह जिस भाई को भी चाहिए वो रब्ता कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आप करें, और आपको 6 महीने में इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर, और फिर 7वें महीने से आपकी अर्निंग शुरू। तो जितनी भी भले इन्वेस्टमेंट करें, भले आप 1,00,000 करें, 2,00,000 करें, 5,00,000 करें, जितनी आपकी हैसियत है, कुछ नहीं, चूज़ों से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें क्योंकि ये हलाल काम है, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत भी दी है। तो जो है पैकिंग बड़ी करना बड़ी मुश्किल है इसकी, तो इसलिए बातें भी बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी अगर सिर्फ पैकिंग ही देखते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे मेरी तरह। तो जो है ये आखिरी डब्बा चल रहा है हमारा, और अब जो है हम इसको सेट करने लगे। तो भाई मैंने सोचा कि एक बार व्यू यहाँ से भी दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखें माशाल्लाह से सारे एग्स पैक हो गए, और इसमें जो ये कहलाते हैं चावल के छिलके। जो भाई फार्मिंग के फील्ड में होंगे हैं और उनको पता ही होगा कि क्या चीज़ होती है, तो जो है ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए जो है हमने इसमें डाल दिए कि ताकि अगर अंडे इधर उधर हों तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो उनमें, ठीक है। बाकी ये चार हो गए पैक माशाल्लाह से, चारों के चारों देख सकते हैं। और अब जो है मैं इनको इस डब्बे में डालूँगा, पहले ये रुई रखूँगा, देन फिर जो है हम ये आ गई हमारी कॉटन, ठीक है। पहले मैंने इसके नीचे नेस्टिंग रखी हुई थी, अब जो ये बिछा रहा हूँ कॉटन है ये, ठीक है। पहले अंडों को मैं पैक कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को वीडियो आगे बताता हूँ। भाइयों ये पैक हो गए माशाल्लाह से, ठीक है। ये मैंने रैपिंग कर दी है इन पे, ठीक है, चारों डब्बे रैप हो गए, ठीक है। अब जो है लास्ट एंडिंग चल रही है इंशाल्लाह ताला। अब देखें ये है, हम इसको इस तरह से जो है पैक कर देंगे, और जो है मुझे पैकिंग करने के लिए मोबाइल रखना पड़ेगा अपना, तो जो है फिर मैं आपको इसको पूरा पैक करके जो है फिर आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है पैकिंग कर दी है माशाल्लाह से। अब देखें ये जो है ना इस तरह से करिए, पहले जो है नेस्टिंग की हमने ग्राउंड बिछाया, फिर इसके बाद थोड़ा सा जो है ये होती है कॉटन जो कि तकियों में अक्सर लगती है कुशन्स वगैरह में, तो ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होती है, और पहले ये हमने ले ली, ठीक है। फिर ये थोड़ी और है, मैं इसको सही से कर दूँ बिल्कुल, ताकि जो है गैप ना हो, क्योंकि ये कंटेनर के थ्रू जाएगा तो जो है कोई मसला ना हो उसमें, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और गैप कर देते हैं, क्योंकि अंडे जितने कम ही लेंगे ना उतने टूटने के कम चांसेस होंगे। वैसे इंशाल्लाह ताला टूटेंगे नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, कार्गो हम करते रहते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये हमने इसको लाइक अंडों को वाकई सैंडविच बना दिया, ठीक है। बाकी फिर ऊपर से नेस्टिंग आ गई हमारी फिर से, तो जो है
ये हो गया हमारा कार्गो का बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, हम यहाँ पे इसको रख दिया और जो है ये बॉक्स हो गया हमारा रेडी कार्गो। अब बस हम इस पर रैपिंग वगैरह करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन, इसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिख के। तो हमारा जो ये पार्सल जा रहा है तो उसके लिए भाई बहुत सारी दुआएं हमारे लिए कि जिस मकसद से उसने ये मंगवाया अल्लाह ताला उसको इस मकसद में कामयाब करे और वो इधर से अपना एक नया बिजनेस का आगाज़ कर सके, आमीन। और बाकी फिर इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा आप लोगों को इसका बता दूंगा कि पैकिंग वगैरह, ये रैप वगैरह हम रैपिंग तो कर दिए इसकी ऑलमोस्ट डन, अब ये कि इसको इससे रैप कर देंगे हम, फिर जो है हम इसको कार्गो के लिए भेज देंगे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये तरीका, और ये मेरे ख्याल से सबसे सेफ तरीका है कार्गो करने का, जिसमें आप जो है इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि अंडे वगैरह टूट जाएंगे। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये तरकीब इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत पहुँचेगा। तो मैं बस थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा आपको, उम्मीद करता हूँ शायद कि वो वीडियो में अभी दिख भी रहा होगा नहीं। तो जो है फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।